प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। तो हम लोग तीन प्रॉपर्टीज के ऊपर चर्चा कर चुके हैं, आज हम लोग चौथा प्रॉपर्टी समझेंगे। चौथा प्रॉपर्टी होता क्या है? तो चौथा प्रॉपर्टी लिखने से पहले हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल क्या लेते हैं? जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, यह क्या है आपका? डिटरमिनेंट है। तो चौथा प्रॉपर्टी क्या कहता है कि किसी रो या किसी कॉलम के प्रत्येक अवयव को के से गुणा किया जाए। जैसे रो पर हम लोग समझते हैं, जैसे ये आर वन है आपका, ठीक है, तो फर्स्ट रो के प्रत्येक अवयव को के से गुणा किया जाए तो यह डिटर्मिनेंट जो है के से गुणित हो जाता है। जैसे आपका यह आर वन है तो आर वन के प्रत्येक अवयव को के से गुणा करते हैं, तो के से गुणा करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? के इंटू ए, के इंटू बी, के इंटू सी, डी ई एफ जी एच आई। तो यह जो है किसके बराबर होगा? तो यही डेल्टा क्या है आपका? ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, यह यहां पे क्या हो जाएगा? के इंटू इतना हो जाएगा, ठीक है। तो समझ में आ रहा है क्या बता रहे हैं? यदि किसी रो के प्रत्येक अवयव को के से गुणा किया जाए, तो जैसे आर वन के प्रत्येक अवयव को के से गुणा कर दिया, तो यह जो डिटर्मिनेंट जो है, के से क्या हो जाएगा? गुणित हो जाएगा, यानी यह इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो समझ में आ रहा है? जैसे यह ए बी सी डी ई एफ जी एच आई है, ठीक है, यह आपका डिटर्मिनेंट है, इसको डेल्टा वन बराबर मान लिया, ठीक है। इस बार हम क्या करते हैं, ये आपका सी टू है, तो सी टू के प्रत्येक अवयव को के से गुणा कर देते हैं। किससे गुणा कर देते हैं? के से गुणा कर देते हैं। तो के से गुणा करेंगे तो क्या लिखेंगे? ए बी सी डी ई एफ जी एच आई है, तो सी टू के प्रत्येक अवयव को के से गुणा कर रहे हैं, के इंटू बी हो जाएगा, यहां पे के इंटू ई हो जाएगा, यह आपका के इंटू एच हो जाएगा। तो यह किसके बराबर होगा? तो यह आपका ये डेल्टा वन है, तो डेल्टा वन यानी के इंटू डेल्टा वन हो जाएगा, ठीक है। तो प्रॉपर्टी फोर आप है ना समझे, आप इसको हम लिख देते हैं, ठीक है, लिख देते हैं प्रॉपर्टी फोर इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय के, देन डिटर्मिनेंट बिकम्स मल्टीप्लाइड बाय के, ठीक है, वही चीज लिखा। यदि इसका हिंदी क्या होता है? यदि किसी रो के प्रत्येक अवयव को के से गुणा किया जाए तो वह
डिटर्मिनेंट जो है के से गुणित हो जाता है। जैसे जैसे डेल्टा बराबर आप ले लिए ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ठीक है। अब यहां क्या करते हैं, यह आपका आर टू है, तो आर टू के प्रत्येक अवयव को के से गुणा कर रहे हैं, तो आर टू के प्रत्येक अवयव, आर टू का प्रत्येक अवयव यही हो गया, तो प्रत्येक अवयव को के से गुणा करते हैं, तो के से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा ए बी सी, ये हो जाएगा आपका के इंटू डी, ये हो जाएगा के इंटू ई, ये हो जाएगा के इंटू एफ जी एच आई, ठीक है। तो इज इक्वल टू बराबर क्या है, तो यही आपका डिटर्मिनेंट है, तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, तो यह डिटर्मिनेंट जो है के से गुणित हो जाएगा, के से क्या हो जाएगा, गुणित हो जाएगा, ठीक है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। जैसे इफ डेल्टा वन बराबर ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, मान लिया डेल्टा वन बराबर। अब यहां क्या करते हैं कि आर वन के प्रत्येक अवयव को के से गुणा कर देते हैं, आर वन के प्रत्येक अवयव को के से गुणा करते हैं, तो के से गुणा करेंगे तो यह जो हो जाएगा के इंटू ए, के इंटू बी, के इंटू सी, ये हो गया डी ई एफ, और आर थ्री के प्रत्येक अवयव को भी के से गुणा कर देते हैं, आर वन आर थ्री के, आर थ्री के प्रत्येक अवयव को के से गुणा करते हैं, तो के से गुणा करेंगे तो क्या होगा, यहां पे के इंटू जी, के इंटू एच, के इंटू आई, अब क्या होगा, तो आपका डिटर्मिनेंट जो है यह क्या है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, तो आर वन, ये जो आर वन है तो आर वन के प्रत्येक अवयव को के से गुणा किए हो, तो यह डिटर्मिनेंट जो है के से गुणित हो जाएगा। अब फिर आर थ्री के प्रत्येक अवयव को के से गुणा किए हो तो फिर इनटू में क्या लिख देंगे, के लिख देंगे, ठीक है। तो प्रॉपर्टी फोर आपका क्लियर हो गया, यानी प्रॉपर्टी फोर क्या कहता है, इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो, किसी रो के प्रत्येक अवयव को क्या किया जाए, इज मल्टीप्लाइड बाय के, यानी के से गुणा किया जाए, देन डिटर्मिनेंट बिकम्स मल्टीप्लाइड बाय के, तो सारणिक जो है, डिटर्मिनेंट जो है ना, के से क्या हो जाता है, गुणित हो जाता है, ठीक है। तो प्रॉपर्टी फोर आपने समझा, तो यहां से एक चीज और स्पष्ट हुआ, क्या स्पष्ट हुआ कि जैसे एक लेते हैं डेल्टा बराबर टू फोर एट लेते हैं, यहां वन थ्री फाइव सेवन एट नाइन ले लिया, ठीक है। तो यहां देखते हैं क्या, आर वन को यदि ध्यान से आप लोग देखें तो ये क्या लिखा हुआ है, टू इंटू वन, यह क्या लिखा हुआ है, टू इंटू टू, और यह क्या लिखा हुआ है, टू इंटू फोर, यानी आर वन का प्रत्येक अवयव जो है, यानी आर वन का प्रत्येक अवयव किससे मल्टीप्लाइड है, टू से, तो बराबर में क्या लिख दोगे, यहां से, यानी इसका प्रत्येक अवयव टू से क्या है, मल्टीप्लाइड है, इसको क्या लिख देंगे, टू इंटू क्या लिखेंगे, वन टू फोर, अब फिर ये हो गया आपका वन थ्री फाइव सेवन एट नाइन, अब तो आपका जो है प्रॉपर्टी फोर क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम लोग पांचवा प्रॉपर्टी देखेंगे, पांचवा प्रॉपर्टी होता क्या है, तो पांचवा प्रॉपर्टी
लिखने से पहले हम लोग फिर पुनः एक एग्जाम्पल के द्वारा पहले समझते हैं। जैसे ये लिखा हुआ है ए वन प्लस अल्फा अल्फा वन, ए टू प्लस अल्फा टू और ए थ्री प्लस अल्फा थ्री, ठीक है। और यह आपका बी वन बी टू बी थ्री है, सी वन सी टू सी थ्री है, ठीक है। तो आप ध्यान से देखो, तो ध्यान से देखने पर आप क्या देखते हो, आप क्या देखते हो कि R1 का प्रत्येक अवयव, R1 का प्रत्येक अवयव जो है दो पदों के योग के रूप में लिखा गया है। R1 का प्रत्येक अवयव दो पदों के योग के रूप में लिखा गया है, ठीक है। तो प्रत्येक अवयव, ठीक है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, इतना बराबर, ठीक है। R1 का प्रत्येक अवयव ध्यान से देखिए, R1 का प्रत्येक अवयव जो है दो पदों के योग के रूप में लिखा गया है। तो इसको आप क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, तो A1 फिर यहां लिख दीजिएगा A2, फिर आप यहां लिख दीजिएगा A3, फिर यहां B1 B2 B3 C1 C2 C3, आप प्लस का साइन दे दीजिएगा, ठीक है। फिर यहां क्या लिखोगे, अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री, अब फिर यहां क्या लिखोगे, B1 B2 B3 C1 C2 C3, ठीक है। तो R1 का प्रत्येक अवयव दो पदों के योग के रूप में लिखा गया हो, किसी रो या किसी कॉलम, किसी रो या किसी कॉलम का प्रत्येक अवयव दो पदों के योग के रूप में लिखा गया हो, तो उस सारणी को दो सारणिकों के योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यदि यहां पे समझो, यदि यहां पे अल्फा थ्री नहीं है कोई बात नहीं है, यहां प्लस जीरो लिख दोगे तो यहां पे अल्फा थ्री के बदले में क्या होगा, जीरो होगा। तो पहले हम लोग प्रॉपर्टी जो है फाइव लिखते हैं और फिर एग्जांपल देंगे तो आपको और समझ में आएगा, ठीक है। प्रॉपर्टी फाइव है क्या, तो प्रॉपर्टी फाइव जो है वो देखो, प्रॉपर्टी फाइव, इफ सम और ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ रो और कॉलम कॉलम, ठीक है, आर एक्सप्रेस्ड एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ टू टर्म्स देन डिटर्मिनेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स। देखा जाए क्या कहता है, इफ इफ का हिंदी जानते हैं आप, यदि इफ सम और ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ रो आर एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ टू टर्म्स, यदि किसी रो का कुछ और सभी अवयव दो पदों के योग के रूप में व्यक्त हो, दो पदों के योग के रूप में क्या हो, व्यक्त हो, किसी रो
का कुछ या सभी अव्यव दो पदों के योग के रूप में क्या हो, व्यक्त हो, तो उस डिटर्मिनेंट को दो डिटर्मिनेंट के योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। वही बात हम एग्जाम्पल आपको है ना वहां दिए थे, जैसे यहां पे हम लोग डेल्टा वन बराबर ले लेते हैं ए वन बी वन सी वन, यहां ए टू प्लस अल्फा वन, ए बी टू प्लस अल्फा टू, और फिर सी टू प्लस अल्फा थ्री, ठीक है। और यहां ले लेते हैं सी वन सी टू सी थ्री, रहने दीजिए, या यहां बन है तो लिख दीजिए डी वन डी टू डी थ्री। तो प्रॉपर्टी को समझिए कि किसी रो या कॉलम, तो रो पर हम लोग रो को लेकर ही समझा देते हैं, किसी रो का कुछ या सभी अव्यव दो पदों के योग के रूप में व्यक्त किया गया हो, आर एक्सप्रेस्ड व्यक्त किया गया हो, तो वह डिटर्मिनेंट जो है दो डिटर्मिनेंट्स के योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो यहां से आपको स्पष्ट हो रहा है, तो इसको क्या लिख दीजिएगा आप, ये हो गया आपका ए वन बी वन सी वन, ए टू बी टू सी टू, ठीक है, और फिर यहां डी वन डी टू डी थ्री, यहां लिख देंगे ए वन बी वन सी वन, यहां क्या लिखेंगे अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री, ये हो गया डी वन डी टू डी थ्री, ठीक है। तो प्रॉपर्टी फाइव भी आपका क्लियर हो गया, किसी रो का कुछ, ये जरूरी नहीं है कि सभी पद जो है, जैसे यहां आर टू का प्रत्येक अव्यव जो है ना, आर टू का कुछ अव्यव भी हो सकता है, जैसे यहां पे अगर नहीं अल्फा थ्री दिए हुआ है तो यहां प्लस जीरो लिख देंगे, और वहां पे अल्फा थ्री, यहाँ अल्फा थ्री जो लिखा हुआ है तो यहाँ जीरो हो जाएगा, तो यहाँ तो ऐसे हम क्या ले लिए हैं, अल्फा थ्री ले लिए हैं, ठीक है। तो किसी रो का कुछ या सभी अव्यव दो पदों के योग के रूप में व्यक्त किया गया हो, तो डिटर्मिनेंट को दो डिटर्मिनेंट के योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। जैसे ये दिमाग में रखना, सिर्फ एग्जाम्पल आप समझ लेते हैं, इसको ध्यान से देखेंगे तो जहां क्वेश्चन आएगा, जैसे इसका मान निकालना हो तो पहले इसको इस फॉर्म में लिख दो, और फिर इसका मान निकाल लो और दोनों को जोड़ दो, तो इस डिटर्मिनेंट का मान क्या है आपका निकल जाएगा, ठीक है। आपका लास्ट प्रॉपर्टी क्या है, छठा जो है, ठीक है, ये जो छठा हो गया ये काफी इंपॉर्टेंट है, छठा प्रॉपर्टी काफी ध्यान से आप लोग देखेंगे, 80% क्वेश्चन जो है इसी प्रॉपर्टी पर बनता है, ठीक है। तो लिखने से पहले फिर हम आपको एग्जाम्पल लेकर पहले समझाते हैं, उसके बाद फिर इस प्रॉपर्टी को हम लोग लिखते, ठीक है। तो प्रॉपर्टी छठा क्या है, जैसे यहां पे हम लोग ले लिए वन टू थ्री फोर फाइव, वन टू थ्री वन ले लिए, ठीक है, यह क्या है डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो जैसे इसका मान निकालना हो तो मान आप लोग को तो निकालने आ गया है, अब जैसे डेल्टा का मान निकालते हैं तो ये हो गया आपको प्लस माइनस प्लस आर वन को ब्रेक कर डेल्टा का मान निकाल रहे हैं, तो ये हो गया आपका वन ले लिया, तो वन ले लेंगे तो वन के अलॉन्ग जो रो है उसको ढक देंगे और कॉलम को ढक देंगे, इसको ढक दिया अब गुना करोगे तो फाइव इंटू वन
माइनस थ्री इंटू वन है, ठीक है। फिर माइनस टू, फिर माइनस टू लेंगे तो टू के लॉन्ग जो कॉलम है उसको ढक दो, और इसके लॉन्ग जो रो है उसको ढक दो, इसको और इसको ढक दिया, इसको और इसको ढक दिया, गुना करोगे तो फोर इंटू वन माइनस टू इंटू वन, फिर क्या लेंगे प्लस थ्री, तो इसके थ्री के लॉन्ग आपका कॉलम यही हो गया कॉलम, और रो यही हो गया, इसको ढक दिया, इसको इससे गुणा करोगे तो फोर इंटू थ्री माइनस टू इंटू फाइव, ठीक है। अब ये हो जाएगा आपका वन इंटू ये फाइव, ये थ्री है तो यहाँ टू दे देगा, माइनस टू इंटू ये फोर है ये टू है, तो फाइनल क्या देगा आपका यहाँ पे टू देगा, ठीक है। फिर प्लस थ्री इंटू ये ट्वेल्व है और यह टेन है, तो ये हो जाएगा टू। अब ये हो गया आपका टू माइनस फोर प्लस सिक्स, ये एट माइनस फोर फाइनल क्या दिया फोर दिया, इसका मान क्या निकला फोर निकला, ठीक है। आर वन को ब्रेक करने पर आर वन को ब्रेक कर डेल्टा का मान निकाले। अब प्रॉपर्टी सिक्स हम लोग समझते हैं, तो इसका जो है मान क्या निकला फोर निकला। अब ये क्या कहता है प्रॉपर्टी सिक्स क्या कहता है, किसी रो या किसी कॉलम में किसी संख्या से गुणा कर दूसरे रो या कॉलम में जोड़ा या घटाया जाए तो डिटरमिनेंट का मान नहीं बदलता है। किसी रो, कोई भी रो ले सकते हैं, किसी रो या किसी कॉलम में किसी संख्या से गुणा कर दूसरे रो में जोड़ा या घटाया जाए तो डिटरमिनेंट का मान नहीं बदलता है। जैसे जैसे इसका मान तो हम लोग निकाल चुके हैं, क्या दिया है फोर दिया है। जैसे यह आपका याद रखेंगे इसका मान निकाल चुके हैं फोर है, ठीक है। जैसे यह आपका आर वन है और यह आपका आर टू है। अब क्या करते हैं, आर वन में हम टू से गुणा कर देते हैं, कितना से गुणा करते हैं टू से गुणा, आर वन में कितना से गुणा करते हैं टू से गुणा करते हैं, और फिर आर टू में से आर वन को घटा लेते हैं, ठीक है। या ऐसा समझो कि आर वन में फोर से गुणा करते हैं, कितना से गुणा करते हैं फोर से गुणा करते हैं, कितना से गुणा करते हैं फोर से गुणा करते हैं और आर टू में से घटा रहे हैं, तो यहां लिखेंगे किसको चेंज कर रहे हैं आर टू को, तो आर टू गोज आर टू माइनस फोर इंटू आर वन, यदि और इसको जो है ना इसमें से घटाएंगे तो डिटरमिनेंट का मान नहीं बदलेगा। जैसे हम आर टू को चेंज कर रहे हैं तो आपका आर वन वही होगा, ये हो गया आपका वन टू थ्री, और इसमें आप कितना से गुणा कर रहे हो तो फोर से, तो ये तो फोर हो गया, ठीक है। तो इसमें फोर से गुणा कीजिएगा, आर वन में फोर से गुणा करना है तो इसमें फोर से गुणा कीजिए तो ये फोर हो जाएगा, आप घटाइएगा तो ये क्या दे देगा जीरो, फिर इसमें फोर से गुणा कीजिए तो यह एट होगा, अब फाइव में से एट घटाएंगे तो यहां पे क्या देगा माइनस थ्री, ठीक है। फिर इसमें फोर से गुणा कीजिए तो ये हो गया आपका ट्वेल्व हो गया, ट्वेल्व हो गया, फोर से गुणा कीजिएगा और घटाइएगा तो माइनस इलेवन, ठीक है। फिर आपका ये जो है टू थ्री वन है, ठीक है। अब इसका मान निकालिए, तो इसका भी मान निकालेंगे तो आपको फोर ही देगा। तो जैसे मान निकालते हैं तो आर वन को ब्रेक करो या सी वन को ब्रेक करो या आर टू को ब्रेक करोगे, किसी को ब्रेक कर ब्रेक करने पर डिटरमिनेंट का मान जो है वही देगा, फोर ही देगा। जैसे हम इस बार सी वन को ब्रेक करते हैं, इसको ब्रेक करते हैं सी वन को ब्रेक करते हैं, अब यहां पर यह हो गया आपका वन ले लिए, ठीक है। तो इसके लॉन्ग आपका रो यही है तो इसको ढक दिया, इसको ढक दिया, इसको ढक दिया, इसको ढक दिया, गुणा करोगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस थ्री माइनस, फिर इसको इससे गुणा करोगे तो ये माइनस थर्टीन होगा, तो माइनस है सॉरी माइनस थर्टी थ्री होगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस थर्टी थ्री, ठीक है। फिर यहां आपका जीरो है तो जीरो लोगे और इसको ढकोगे, इसको ढकोगे और इसका मान निकालोगे तो फाइनल जीरो देगा, वैसे हम यहां ले लेते हैं अभी, ठीक है। तो इसको ढक दिया, इसको ढक दिया, इसको ढक दिया, इसको ढक दिया, तो इसको इससे गुणा करोगे तो टू देगा,
और माइनस नाइन देगा, ठीक है ठीक है। फिर क्या लेंगे, प्लस टू लेंगे, प्लस टू लेंगे तो टू के लॉन्ग जो आपका क्या है रो है उसको ढक दो, इसको ढक दो, इसको इससे गुना करोगे तो माइनस ट्वेंटी टू, आ ये हो जाएगा माइनस, आई गुना करेंगे तो माइनस नाइन तो प्लस नाइन हो जाएगा, ठीक है। फाइनल यहां क्या दिया, ये आपका क्या हो जाएगा वन है, तो ये तो आपका थर्टी हो जाएगा, हा ये तो आपका जीरो ही होगा। अब फिर यहां क्या लिखा हुआ है, प्लस टू इंटू ये जो आपका जो है ये जो है, तो इसमें से क्या है घटाना आपको है, क्या घटाना है तो ये घटाओगे तो ये बाईस बारह यानी माइनस ग्यारह होगा, ठीक है। तो ये हो गया थर्टी, अब माइनस क्या हो जाएगा बाईस, तो गलत आ गया क्या, ये कितना है, ये आपका नाइन है, ठीक है, ये ट्वेंटी टू है उसमें से नाइन घटाना है, ठीक है। तो कितना होगा हो, अरे कितना होगा, थर्टीन होगा, थर्टीन होगा, तो गुणा करेंगे आप तो ये हो जाएगा आपका ये, तो फाइनल क्या दिया आपका फोर दिया, तो वही निकला, क्या निकला फोर दिया, ठीक है। फिर यहां पे हम लोग देखते हैं, क्या देखते हैं, यानी R1 में 4 से गुणा कर, ठीक है, गुणा कर फिर R2 में से इसको घटाए हैं, तो क्या सारणी का मान बदला है, नहीं बदला है। अब ऐसा करते क्यों है इसको समझिए पहले, यदि इसको समझ लेते हैं डायरेक्ट बिना प्रॉपर्टी लगाए इसका मान निकाले हैं तो 4 दिया है, और R2 में से R1 को घटाए हैं 4 से गुणा कर फिर भी क्या दिया है फोर दिया है, तो ऐसा करते क्यों है। देखो किसी रो या किसी कोई भी रो ले लो, कोई भी कॉलम, तो किसी रो या किसी कॉलम के किसी दो अवयवों को जीरो कर दोगे, जैसे इसको हम जीरो कर दिया, इसको जीरो कर दिया, तो ये जीरो हो जाएगा, जीरो लेकर ढकोगे तो जीरो हो जाएगा जीरो। तो मेन क्या होना चाहिए, किसी रो या किसी कॉलम के किसी दो अवयवों को जीरो आपको करना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, इस प्रॉपर्टीज का यहां पे यही है कि किसी दो अवयवों को जीरो कर देंगे, तो किसी दो अवयवों को जीरो करने के लिए जैसे हम C1 है ना, ये C1 हो गया तो हम चाहते हैं कि इसको जीरो करें, तो इसको जीरो करने के लिए फिर वही काम करेंगे, क्या लिखेंगे आर टू गोज आर टू माइनस 4 इंटू आर वन लिख दिया, ठीक है। अब फिर इसको भी जीरो करना चाहते हैं तो ये इसको जीरो करोगे तो ये लिखेंगे आर थ्री गोज आर थ्री माइनस आर थ्री में से आर वन को घटा रहे हैं लेकिन कितना से गुना कर, 2 से गुना कर, जैसे 2 से गुना करोगे या घटाओगे तो जीरो हो जाएगा, आ इसमें 4 से गुना करोगे या इसमें से इसको घटाओगे तो जीरो हो जाएगा। अब देखा जाए, पहले हम लोग R2 को चेंज किए हैं, तो पहले हम लोग क्या है R1 को लिख दें 1 2 3, ठीक, ये हो जाएगा आपको R2 को चेंज कर रहे हो तो इसमें 4 से गुना करोगे तो 4 से गुना करोगे घटाओगे तो जीरो होगा, फिर इसमें 4 से गुना करोगे तो यह 8 हो गया, घटाओगे तो माइनस 3 होगा, फिर इसमें 4 से गुना करोगे तो 12 माइनस 11 होगा, ठीक है। फिर यहां पे क्या कर रहे हैं, R3 को चेंज कर रहे हैं, R3 में से R1 को ही घटा रहे हैं लेकिन कितना से गुना कर, 2 से गुना कर, तो इसमें 2 से गुना करोगे तो 2 से गुना करोगे और घटाओगे तो यह जीरो देगा, फिर इसमें 2 से गुना करो तो यह 4 हो गया और घटाओगे तो क्या देगा माइनस 1, फिर इसमें 2 से गुना करो तो यह 6 हो गया और घटाओगे तो यह हो जाएगा आपका माइनस माइनस 5 हो गया, ठीक है। अब देखिए इस प्रॉपर्टीज का इंपॉर्टेंस देखिए कि R1 ये जो आपका यह जो C1 है तो C1 ये C1 है तो दो अवयवों को क्या कर दिया जीरो कर दिया। अब डायरेक्ट मान निकाल लोगे, ये प्लस ले लोगे तो 1 लोगे, इसके लॉन्ग जो रो है उसको ढक दो, इसको ढक दो, ये गुना करोगे तो ये जो है इसको ढके हैं,
और इसको ढके हैं, ऐसे ढके हैं और ऐसे ढके हैं, तो गुना करोगे तो ये हो जाएगा 15 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, फिर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 11। ये फाइनल आपका क्या मिल रहा है तो 4 ही मिल रहा है। तो प्रॉपर्टी 6 का इम्पोर्टेंस आपको समझ में आया है, क्योंकि यहाँ क्या है ये प्लस 1 लिए हो, ये 0 लोगे माइनस 0 लोगे, ये ढकोगे ढकोगे तो फाइनल तो उसको 0 कर देगा। तो इसमें क्या करते हैं, इस प्रॉपर्टी की, ये जो प्रॉपर्टी है इसकी सहायता से क्या करते हैं, इसकी सहायता से क्या करते हैं, किसी किसी रो की किसी दो अवयवों को 0 पहले कर लेते हैं, और जब दो अवयवों किसी रो या किसी कॉलम है ना के है ना किसी दो अवयवों को 0 कर देंगे तो यही ना बचेगा, इसको ढककर इसका मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रॉपर्टी 4 का कॉन्सेप्ट। तो हम लोग प्रॉपर्टी 6 को लिख लेते हैं। क्या प्रॉपर्टी 6 है, इफ एनी रो और कॉलम, इफ एनी रो और कॉलम इज मल्टीप्लाइड बाय के एंड इज देन एडेड टू और सबट्रैक्टेड फ्रॉम एनी अदर रो और कॉलम देन दी वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट डज नॉट चेंज। वही चीज लिखे हैं, इफ एनी रो और कॉलम इज मल्टीप्लाइड बाई के एंड इज देन एडेड टू और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एनी अदर रो और कॉलम देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट डज नॉट चेंज। यानी किसी रो में के से गुना किया जाए, यदि किसी रो में के से, रो पर समझा रहे हैं, कॉलम के साथ भी वही होगा, किसी रो में के से गुना किया जाए तथा दूसरे रो या कॉलम में उसे जोड़ा या घटाया जाए तो सारणी का मान नहीं बदलता है। फिर से एक बार समझिए, किसी रो में के से गुना किया जाए तथा दूसरे रो में जोड़ा या घटाया जाए तो सारणी का मान नहीं बदलता है। इसी प्रकार किसी कॉलम में किसी स्केलर क्वांटिटी के से गुना किया जाए तथा दूसरे रो में उस कॉलम को जोड़ा या घटाया जाए तो सारणी का मान नहीं बदलता है। किसी कॉलम में किसी स्केलर क्वांटिटी से गुणा किया जाए तथा दूसरे रो या किसी है ना दूसरे कॉलम में जोड़ा या घटाया जाए तो सारणी का मान नहीं बदलता है। जैसे लास्ट एक छोटा सा एग्जांपल देखा जाए, 1, 2, 3, 4 है, ठीक है, इसका मान निकालिएगा तो 1 × 4 − 6 क्या देगा, −2 देगा। ठीक है, इसका मान क्या निकलेगा, −2। अब यहाँ पे हम इसमें क्या करते हैं, 3 से गुना कर देते हैं, R1 में कितना से गुना कर देते हैं, 3 से गुना कर देते हैं और फिर R2 में से इसको घटाते हैं तो क्या लिखेंगे, R2 माइनस इसमें 3 से गुना कर रहे हैं तो 3 × R1 तो सारणी का मान नहीं बदलेगा। तो अब डेल्टा बराबर क्या हो जाएगा, किसको चेंज कर रहे हो, R2 को,
तो आर वन तो आप लिखोगे वन टू, इसमें थ्री से गुना कर रहे हो तो थ्री से गुना करोगे, इसको घटाओगे तो थ्री से गुना करोगे और घटाओगे तो क्या हो जाएगा, ये थ्री है घटाओगे तो जीरो होगा, और फिर इसमें थ्री से गुना करो तो सिक्स, जैसे थ्री से गुना करोगे तो सिक्स, और फोर में से सिक्स घटाओगे तो माइनस टू, देखिए तो क्या देता है, इसको इससे गुना कीजिए तो ये हो जाएगा वन इंटू माइनस टू माइनस जीरो इंटू टू, ये माइनस टू, और ये तो हो गया आपका जीरो, फाइनल क्या दे दिया टू। यानी किसी रो में किसी स्केलर क्वांटिटी से गुना कर, किसी नंबर से गुना कर दूसरे रो में है ना उस रो को जोड़ा या घटाया जाए गुना करने के बाद, तो सारणी का मान नहीं बदलता है। उसी प्रकार किसी कॉलम में किसी स्केलर क्वांटिटी से गुना कर दूसरे कॉलम में उसको यानी जिसमें गुना किए हैं उसमें है ना उसको जोड़ोगे या घटाओगे तो सारणी का मान नहीं बदलेगा। ठीक है टाटा।